कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अहमद पटेल के सुपुत्र फैसल पटेल का जयपुर आगमन पर जोरदार स्वागत। फैसल ने जुमे की नमाज शीश की मस्जिद में अदा की और वक्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचे, जहां पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने उन्हें साफा पहनाकर वे स्मृति चिन्ह भेंट किया। उनसे मिलने के लिए कांग्रेस की प्रदेश मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा, पूर्व विधायक मकराना जाकिर गेसावत, किशनपुर विधायक अमीन कागजी, महापौर उप महापौर असलम फारूकी सहित कई नेता वहां पहुंचे। जामा मस्जिद के सदर नईम कुरैशी व जहीरुल्लाह खान भी वहां उनसे मिलने पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते उन्होंने बताया कि जैसे उनके वालिद थे वैसे ही वो कांग्रेस के लिए डिवोटेड रहेंगे। उनके वालिद जैसा शख्स 400-500 साल में पैदा होता है और उनकी कमी पूरी होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अल्पसंख्यकों के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। उनके वालिद के इंतकाल के बाद में उनसे मिलने के लिए अहमदाबाद भी आए थे। उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस AIMIM के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है, तो उस पर उनकी कोई खास प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। मेरे पर्सनल इरादे बहुत सेक्युलर हैं। गरीब इंसान कोई भी रिलीजन से हो सकता है, कोई भी कौम से हो सकता है, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ और समझता हूँ कि हमारे कौम इस्लाम मुसलमान आदमी हमारे देश में उसकी ज़्यादा तकलीफें हैं। उससे न्याय भी बहुत होता है, तकलीफें भी बहुत हैं। तो ये मेरी अब जिम्मेदारी है पापा के बाद कि मैं कौम की सपोर्ट करूं, उनके प्रॉब्लम्स को समझूं और सभी लोगों के साथ, कौम के जो सीनियर लोग हैं, सीनियर लीडर्स हैं जो कौम को की असिस्टेंस करते हैं और उनकी उनके लिए काम करते हैं, मैं उनसे भी सलाह लूंगा, समझूंगा और कौम की लॉन्ग टर्म में मदद करूंगा। यही मेरी ख्वाहिश है। थैंक यू। कहना चाहता हूं कि ये हाई कमांड पे डिपेंड करता है, जो हाई कमांड चाहेगी वही मैं करूँगा। पार्टी के लिए मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। मेरे गुजरात में बहुत सोशल इनिशिएटिव्स हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, हमने वहाँ मैंने पापा की मदद सालों से करी है, लेकिन मैं अभी तक फॉर्मली कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, मैं तो पार्टी का मेंबर भी नहीं। लेकिन जो भी हाई कमांड चाहेगी फ्यूचर में, मैं ज़रूर आऊँगा, पार्टी के लिए मदद करूँगा, पार्टी में सपोर्ट करूँगा और ख़ास ख़ास मेरा फोकस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए रहेगा। ओवैसी जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं और उन्होंने कौम के लिए बहुत काम किया है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और मेरे जब पापा का इंतकाल हुआ था वो घर भी आए थे मेरे से मिलने के लिए, और अगर वो कौम के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने कौम के लिए जो भी अच्छा काम किया है वो तब बढ़ते रहे, मैं उनको फुली सपोर्ट करना चाहता हूँ। ओवैसी जी को लेकर के आपने भी बात की कि ओवैसी जी की आप इज्जत करते हैं, आप उनको चाहते हैं कि वो तरक्की करें, आगे उनके सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस के साथ में ओवैसी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस ओवैसी को पसंद नहीं करती है और ओवैसी को वो अलायंस नहीं करती है, क्या कहना चाहेंगे इसके? ये आपकी राय है या नहीं? नहीं, ये पहले अभी बिहार के अंदर अलायंस जब हुआ था उस वक्त कांग्रेस ने ओवैसी का सपोर्ट नहीं किया था, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, जो भी कौम के लिए काम करे कौम के लिए अच्छा होगा, इसी में सबका भला है। धन्यवाद। राजस्थान।